हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय कॉलेज पार्टी में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं, दैट इज सिमस्ट्री। क्या आपने इसका नाम सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। सिमस्ट्री यानी साइडनहाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। इट इज बेसिकली अ वेल नोन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जो लोग इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं या फिर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर देखें और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चलेगा। अब बात करते हैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की। ये 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। कोर्सेज की बात की जाए तो सिमस्ट्री प्राइमरी ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट। It is known for its Master of Management, yani MMS program, which is a full-time two-year program. Specialization bhi bahut se field mein provide karta hai, and that are finance, marketing, human resource, operation and system. Additionally, it offers a part-time MFM, that is Master in Financial Management program. Aur saath hi saath ye MM bhi karata hai. MMM is Master in Marketing Management program. वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग एनी कोर्स, यूनिवर्सिटी और एग्जाम, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक फॉर व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल एंड विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। अब बात की जाए इनके फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, तो दे ऑल आर प्रोफेशनल्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड दे ऑल आर एक्सीलेंट एट देयर वर्क ऑफ टीचिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यहाँ पे 2 months की कंपल्सरी इंटर्नशिप भी आपको कराई जाती है, जिसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। जी हाँ, इस मैंडेटरी इंटर्नशिप से बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज गेन करते हैं उनके बारे में, और हाँ साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही कॉमन बैचलर डिग्री ऑफ 3 years इन एनी फील्ड बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रिनोन यूनिवर्सिटी, and that university should be UGC approved. साथ ही साथ इनको minimum 50% marks चाहिए होते हैं, और हाँ जो कि reserve candidates हैं या फिर ST SC students हैं मुंबई के, उनके लिए minimum requirement होती है 45%. अब बात करते हैं इनके fee structure के बारे में। तो MMM यानी Masters in Marketing Management की fees रहती है nearly 1 lakh rupees, और वहीं MMS यानी Master of Management Studies की approximately fees रहती है 69 to 70 thousand. अब बात की जाए पैकेज की, तो इनका पैकेज जाता है 13.33 लाख पर एनम। ये इनका एवरेज पैकेज है, तो इससे आप इनकी हाईएस्ट पैकेज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। बट आपको मैं एक बात और बता दूं, ये कॉलेज जो है वो ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करता है रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना नहीं मिलता एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज का होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी के साथ साथ ज्यादा हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा तब तक वो नॉलेज गेन नहीं कर सकेंगे और उसी हिसाब से अपने स्किल्स को भी एनहांस नहीं कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज का एक बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि ये प्रैक्टिकल पे कम फोकस करते हैं। तो दोस्तों, जो जो इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिमस्ट्री मुंबई के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।